भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास कहा जाता है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस साल 13 महीने का वर्ष होता है। वर्ष 2020 में अधिक मास का प्रारंभ होने जा रहा है। 18 सितंबर से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 16 अक्टूबर के मध्य रहेगा। इस वर्ष आश्विन माह की अधिकता रहेगी, अर्थात इस वर्ष दो आश्विन माह होंगे। और सनातन पंचांग के अनुसार अधिक मास जो है विशेष रूप से माना जाता है, और इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में भी मानते हैं, जो कि इस बार 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर के बीच में रहेगा। और अधिक मास होने की वजह से इस बार दो एकादशी अधिक आएगी, और इन एकादशी का नाम कमला एकादशी होगा। पहली एकादशी 27 सितंबर को आएगी और दूसरी एकादशी जो कि 13 अक्टूबर को आएगी। अधिक मास का अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अधिकस्य अधिकम फलम, यानी अधिक मास में आप जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, जप करेंगे, स्नान करेंगे, उसका अनंत गुना फल प्राप्त आपको होगा, क्योंकि अधिक मास का निर्माण स्वयं नारायण के माध्यम से किया गया है। भगवान नारायण ने ही अधिक मास का निर्माण किया है। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने कठोर तपस्या की थी और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, तथा उसने वरदान भगवान ब्रह्मा जी से मांगा था कि मैं इस पृथ्वी पर जो है किसी के द्वारा नहीं मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, दिन में मरूं, न रात में मरूं, तथा आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी के हाथ से न मरूं, और आपके बनाए हुए किसी भी महीने में मैं न मरूं। इसी वजह से भगवान नारायण ने अधिक मास का निर्माण किया था। इसे अधिक मास, मल मास भी कहा जाता है, तथा पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में जो भी आप व्रत करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। अधिक मास में प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जो मनुष्य स्नान करता है, तथा अधिक मास की कथा का श्रवण करता है, और अधिक मास में दान पुण्य करता है, उसे अनंत और अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी तीर्थ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है, उनकी यात्रा करने का जो फल प्राप्त होता है, तथा जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं उन सब का जो फल प्राप्त होता है, तथा जितने भी देवी देवता होते हैं उन सब की पूजन का जो भी फल होता है, वह अधिक मास में प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद कथा श्रवण करने से वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। प्रमादीकृत नामक संवत्सर 2077 चल रहा है। इस नवीन संवत्सर में अधिक मास रहेगा। जैसा कि स्पष्ट है कि हिंदी कैलेंडर की गणना के अनुसार प्रत्येक एक मास जो आता है उसको अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास को बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। पुरुषोत्तम मास अर्थात भगवान पुरुषोत्तम का महीना। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में व्रत पारायण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। पंचांग गणना के अनुसार एक सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं, 15 घटी 31 पल व 30 विपल होते हैं, जबकि एक चंद्र वर्ष में 354 दिन 22 घटी 1 पल एवं 23 विपल होते हैं। सूर्य व चंद्र दोनों वर्षों में 10 दिन 53 घटी 30 पल एवं 7 विपल का अंतर प्रत्येक वर्ष आता है। इसी अंतर को समायोजित करने हेतु अधिक मास की व्यवस्था हमारे धर्म ग्रंथों तथा ज्योतिष शास्त्र में की गई है। अधिक मास प्रत्येक तीसरे वर्ष आता है। अधिक मास जो है जब आता है तो उसमें विशेष रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस साल अधिक मास आएगा उस साल 12 के बजाय 13 महीने होंगे, और अधिक मास के बाद जितने भी त्योहार आएंगे वो लगभग सभी 10 दिन की देरी से आएंगे, और अधिक मास का निर्णय सूर्य संक्रांति के आधार पर किया जाता है। जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। पुरुषोत्तम मास जब प्रारंभ हो जाता है
तो उसमें सभी प्रकार के शुभ और बड़े मांगलिक कार्यक्रम वर्जित रहते हैं और देवी तथा उसमें साध्य कर्म किए जाते हैं। अनुष्ठान या भगवान की आराधना तथा भजन कीर्तन का विशेष आयोजन अधिक मास के दौरान किया जाता है। अधिक मास में फलदान, सगाई, तिलक करना, विवाह कार्य करना, मुंडन करना, ग्रह आरंभ करना या ग्रह प्रवेश करना या फिर यज्ञोपवीत संस्कार करना या उपनयन संस्कार करना या निजी उपयोग के लिए भूमि, भवन, वाहन, आभूषण आदि की खरीदी तथा सन्यास अथवा शिष्य दीक्षा लेना, नववधू का प्रवेश, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ वृहत अनुष्ठान का शुभारंभ, अष्टकादि श्राद्ध, कुआ, बोरिंग, तालाब का खनन करना इत्यादि कार्य वर्जित माने गए हैं। अधिक मास में ये बड़े और शुभ मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं होते हैं और इस महीने में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना, शिव पुराण का श्रवण करना या फिर अन्य 18 पुराणों का श्रवण करना, हरिवंश पुराण का श्रवण करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर किसी भी धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या रामचरित मानस का पाठ करना या सुनना इस महीने में अनंत पुण्यदायी होता है तथा इस महीने में भगवान के नामों का जाप करना या दक्षिणावर्ती शंख का पूजन करना विशेष सिद्धिदायक माना जाता है। महालक्ष्मी की साधना भी इस महीने में आप कर सकते हैं। इस महीने में विशेष करके रोग निवृत्ति के अनुष्ठान, कर्ज चुकाने का कार्य, शल्य क्रिया, संतान के जन्म संबंधी कर्म जैसे सूरज पूजा, जलवा पूजा, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमोंतन नयन संस्कार आदि संस्कार संपन्न कर सकते हैं। इस महीने में यात्रा करना, पार्टनरशिप के कार्य करना, मुकदमा लगाना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, दान देना, सार्वजनिक हित के कार्य करना और परमार्थ तथा परोपकार के कल्याण के कार्य करना, सेवा कार्य करना, इनमें जो है विशेष उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, इसलिए ये कार्य आपको करना चाहिए। इस माह में व्रत करना, दान करना, जप करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। इस माह को पुरुषोत्तम मास कहा गया है, इसलिए मनुष्य को अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण का नामों का जाप करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, प्रभु श्री राम और भगवान विष्णु की उपासना इस महीने करनी चाहिए। इस माह उपासना करने का अपना एक अलग ही महत्व है। इस महीने के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस माह में खाने पीने का भी बहुत नियम पालन करना होता है। इस माह में तमोगुण युक्त पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस महीने में कोई भी व्यक्ति यदि गेहूं, चावल, मूंग, जो, मटर, तिल, ककड़ी, केला, आम, घी, सोंठ, इमली, सेंधा नमक, आंवला आदि का भोजन करे तो उसे जीवन में जो है शारीरिक कष्ट नहीं होगा और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होगी। यानी इस सब चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमने अभी आपको बताई है। उक्त पदार्थ या उससे बने पदार्थ से उसके जीवन में सात्विकता की वृद्धि होती है, अतः इस महीने में उपरोक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा इन जो है पदार्थ जो हम आपको बताने जा रहे हैं उनको अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में त्याग कर देना चाहिए, यानी इन वस्तुओं को नहीं खाना पीना चाहिए। इस महीने में किसी भी मनुष्य को उड़द नहीं खाना चाहिए और उड़द से बनी कोई भी वस्तु जैसे दही बड़े या बड़े या फिर उड़द से जो इमरती बनती है या उड़द से जो भी अन्य पदार्थ बनते हैं और उड़द की दाल का सेवन इस महीने में नहीं करना चाहिए तथा पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, राई नहीं खाना चाहिए और मूली भी नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खाना चाहिए और मसूर की दाल भी इस महीने में त्याग करना चाहिए। बैंगन यानी भट्टे भी इस महीने नहीं खाए जाते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी भी नहीं खाना चाहिए। शहद भी नहीं खाना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडे का भी इस महीने आपको त्याग करना चाहिए। धूम्रपान, मादक द्रव्य, मांस मदिरा का भी इस महीने आपको त्याग कर देना चाहिए और पूरी तरह सात्विकता से इस महीने को व्यतीत करना चाहिए। और इस महीने जो मनुष्य सात्विकता से अपना जीवन यापन करता है उसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि साक्षात नारायण का महीना, नारायण का स्वरूप पुरुषोत्तम मास
माना गया है। इसलिए इस महीने में शुद्ध और सात्विकता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में मालपुए का दान कांसे के बर्तन में रख करके दान करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अधिक मास में किसी भी ब्राह्मण को मीठे मालपुए बना करके या मीठी पूड़ी बना करके यदि कांसे के बर्तन में रख करके दान करोगे तो आपको समस्त लोकों से जो है सुखों की प्राप्ति होगी तथा आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस महीने ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए तथा गाय को हरी घास खिलाने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को नित्य प्रति भोजन करवाने से अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास में यदि कोई मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करना चाहता है तो उसको एकादशी के दिन यानी दो एकादशी आएगी, कमला एकादशी, दोनों पक्ष की जो एकादशी आएगी उनका नाम कमला एकादशी होगा। कमला एकादशी के दिन खीर बना करके उसमें केसर डाल करके तुलसी पत्र डाल करके भगवान नारायण को भोग लगाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस खीर को आप फलाहार की खीर के रूप में बना सकते हैं यानी फलाहारी खीर आप तैयार करें तथा भगवान को भोजन अवश्य लगाएं। पुरुषोत्तम मास में पीले वस्त्र का दान करना और पीले रंग के अनाज का उपयोग करना तथा फल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम मास में माँ तुलसी के सामने प्रतिदिन आपको गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए और 11 परिक्रमा आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके घर के परिवार के सारे संकट और दुख समाप्त हो जाएंगे तथा घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। ब्रह्म मुहूर्त में पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक दिन उठ करके स्नान करें तथा केसर वाले दूध से भगवान विष्णु जी का शालिग्राम जी का अभिषेक करें और तुलसी माता का पूजन करना चाहिए तथा ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस महामंत्र की 11 माला 21 माला मंत्र जाप करना चाहिए जो कि परम सिद्धि को देने वाला है, जिससे आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। हमारे ग्रंथों के अनुसार बताया है कि पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य पीपल के वृक्ष का पूजन करेगा उसके जीवन में कोई भी कष्ट और संकट नहीं आएगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में आपको नारायण का स्वरूप जो है भगवान वासुदेव के स्वरूप पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में जल तथा गाय का दूध अर्पण करके शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए और उससे जो है आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक दिन भगवान नारायण का स्मरण करते हुए उनको पीले पुष्प, पीला चंदन, केसर चढ़ाना चाहिए या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, जिससे आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा तथा आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपके जीवन में कोई भी कष्ट कदापि नहीं उपस्थित होगा। और आपको यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन जो है भागवत कथा का एक श्लोक आधा श्लोक सुनना चाहिए या चतुश्लोकी भागवत भी आप प्रत्येक दिन सुन सकते हैं। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके रोजगार में वृद्धि हो जाए, व्यापार में वृद्धि हो जाए, तो आपको अधिक मास के दौरान किसी भी दिन 9 कन्याओं को भोजन करवा देना चाहिए तथा उनको दान स्वरूप कुछ न कुछ फल का दान कर देना चाहिए, जिससे आपके व्यापार में रोजगार में उन्नति होगी और प्रगति होगी। अधिक मास की कथा का श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। यदि आप अधिक मास की कथा श्रवण करेंगे तो निश्चय ही आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।